हाय गाइस, दिस इज फैजल खान एंड यू आर वाचिंग स्टार बॉडी वर्क्स। आज हमारे पास में है XUV 500 एंड ये इसका जो फ्यूल लेवल सेंसर होता है उसका फॉल्ट कोड आ रहा है। ये इसका आप देख सकते हैं जो गेज है ये ब्लिंक कर रहा है, गेज इसका शो नहीं हो रहा कुछ भी, तो हम वो करेंगे डायग्नोस। पहले इसमें लगाएंगे स्कैनर, क्योंकि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी कैन सिस्टम से कनेक्टेड है, तो उसका फॉल्ट कोड देखते हैं क्या है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें बता रहा है फ्यूल सेंसर ओपन सर्किट। तो इसका क्या करेंगे हम, अब जो वायरिंग है फ्यूल गेज की मीटर तक वो चेक करेंगे एंड वो चेक करने के बाद में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फिर जो सॉकेट आता है वो सॉकेट पीछे फ्यूल गेज में आता है, दो फ्यूल गेज आते हैं XUV 500 में, और उसका एवरेज पे वो लेवल बताता है हमको। तो चलो देखते हैं, नीचे वायरिंग देखते हैं। तो ये फ्यूल गेज का सॉकेट है एंड इसकी हमने कनेक्टिविटी टेस्ट कर ली है। इसका सॉकेट आप देखो, इधर पीछे आता है जो डेड एक्सेल होता है पीछे का, उसके आसपास में वो सॉकेट मिलेगा आपको। कंटिन्यूटी हमने मीटर तक चेक कर ली है चारों वायर की, चार वायर के आते हैं, दो गेजेस में, हर गेज में दो वायर होते हैं, इसके लिए चार गेज का सॉकेट लगता है इसमें। एंड चार वायर के सॉकेट की कंटिन्यूटी हमने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ तक चेक कर ली है, कंटिन्यूटी ओके है। अब गेज चेक करेंगे, टैंक भी निकाल दिया है हमने उसके वजह से। मैं आपको दिखाता हूँ गेजेस, और इसमें दो गेजेस क्यों लगते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ऐसा फ्यूल टैंक होता है XUV 500 का, ये दो गेजेस है इसमें एंड टैंक का शेप कुछ इस तरह होता है, क्योंकि बीच में से साइलेंसर जाता है इसके, तो इसको दो अलग अलग कंपार्टमेंट है, इधर एक और इधर एक, एंड इसके लिए दो गेजेस है, और ये दो गेज एवरेज पर काम करते हैं। एंड गेज का फंडामेंटल ये है कि ये देखो, ये जो फ्यूल गेज है इसमें रेजिस्टेंस वेरी करता है, जितना नीचे होगा उतना हाई रेजिस्टेंस होगा और जितना ऊपर होगा गेज उतना लो रेजिस्टेंस होगा। दोनों गेज में वैसे ही काम करते हैं। यहाँ पे नीचे साइड में जब नीचे होगा तो 300 के आसपास कुछ ओम्स दिखाता है रेजिस्टेंस में, और हाई पे कम होते जाता है वो, जितना ऊपर गेज जाएगा रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो इनको चेक करके दिखाते हैं। तो अभी हम इसका टेस्ट करेंगे, इसको लेंगे कंटिन्यूटी पर एंड इसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे कि ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं। ये जो दो वायर ऊपर से आ रही है वो एक यहाँ पे लगेगी और एक यहाँ पे लगेगी, ठीक है। ये ग्रीन वाली वायर है, ये ऊपर लगी है, देखो ये ग्रीन वाली वायर इसमें लगी है, येलो वाली वायर वो इधर पे लगी है। तो ये दोनों का हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे एंड ये 207 दिखा रहा है यहाँ पे, और जैसे मैं इसको नीचे लूँगा पूरा, देखो इसको मैं नीचे ले रहा हूँ एंड ये बढ़ता जा रहा है, अब ये 300 हो रहा है और पूरा नीचे जाने पे 302, ये 302 है, और मैं जित धीरे धीरे इसको ऊपर करता जाऊँगा, धीरे धीरे ऊपर करता जा रहा हूँ, और रेजिस्टेंस जो है वो कम होते जा रहा है इसका। अभी 162 पे है, हाफ पर 162 है, और ऊपर जाने पे 147, 38। तो ये वाला गेज जो है मेन गेज वो वर्किंग है, दूसरा गेज चेक करेंगे। गेज के जैसा इसमें भी दो वायर हैं, एक पीली वाली है और एक ग्रीन वायर है, तो ग्रीन वायर यहाँ पे लग रही है और येलो वाली वायर है वो नीचे मीटर में लग रही हैं, तो लगा उसमें। तो इसमें हमने लगा दिया है एक यहाँ पे ग्रीन वाली में, ग्रीन वाली और येलो वाली में हमने हमारा मल्टीमीटर लगाया है, और ये ओपन सर्किट दिखा रहा है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट स्प्रिंग के थ्रू इसके यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो हम इस पर लगा देंगे। इस पर लगाओ भाई, इस पर लगाने के बाद देख रहे हैं आप, जब नीचे है गेज तो 301.6 के आसपास ओम्स इसमें आ रहे हैं, एंड इसको मैं धीरे धीरे ऊपर करूँगा एंड इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होते जा रहे हैं। देखो ये ऊपर 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 जैसे जा रहा है गेज, वैसे इसका रेजिस्टेंस कम होते जा रहा है। इसका मतलब ये है
कि हमारा जो ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है ग्रीन वायर वाला, उसमें कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसको उसमें हमने कनेक्टिविटी चाहिए। क्योंकि मेन गेज में मैं आपको दिखा दूँ, मेन गेज में ऑलरेडी ये रिपेयर हो चुका है, ये वायर इसमें लगा दी गई है। तो मेरे ख्याल से ये फॉल्ट ही है कि जो स्प्रिंग है एज अ कंडक्टर जो काम करना चाहिए वो फेल हो जाती है कुछ टाइम के बाद में। तो ये पहले से एक रिपेयर हो चुका है, तो इसको भी हम वैसे रिपेयर करेंगे। वायर सोल्डर करना था हमने, वो सोल्डर कर दिया यहाँ पे, एंड इतनी वायर रखी है उधर कि इसके मूवमेंट में भी कोई इशू नहीं आएगा। एंड अब चेक करते हैं कि वो रेजिस्टेंस ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये कंटिन्यूटी तो है ये, बट ऑब्वियस है वायर सोल्डर की है तो कंटिन्यूटी तो होगी उसमें। हम लोग का जो ग्रीन वायर है वहाँ और येलो वायर दोनों के बीच का रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। एंड ये सब में जब नीचे हो, गेज नीचे है तो 302.5 है ओम्स ये। एंड धीरे धीरे जो ऊपर करते जा रहा हूँ इसको मैं, तो इसका रेजिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो अब इसको करेंगे हम गाड़ी में फिट, एंड गाड़ी में फिट करने के बाद में चेक करते हैं ये चलेगा या नहीं। चलना तो चाहिए वैसे, देखते हैं। टैंक हमने फिटिंग कर दिया है, एंड ये देख सकते हैं आप जो हमारा फ्यूल गेज है वो अभी इसमें डीजल कम है बट शो कर रहा है। एंड ये इसका प्रोसेस है हमारा, इतना सब हमको करना पड़ा फ्यूल गेज रिपेयर करने के लिए। और ये काफ़ी इसमें कॉस्ट इफेक्टिव तरीका था इसका रिपेयर करने के लिए। या तो फिर आप कहीं डीलरशिप वगैरह में जाओगे तो कोई रिपेयर वगैरह नहीं करता, सीधा गेज रिप्लेस ही करते हैं। अभी हम इसका फॉल्ट कोड चेक करेंगे इसमें, एंड ये जो दिखा रहा है देखो फ्यूल सेंसर ओपन, ये फॉल्ट कोड इसका हील्ड में चला गया है, तो इसको हम करेंगे क्लियर। एंड ये फॉल्ट कोड जाना चाहिए, यस। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फॉल्ट कोड जो है वो क्लियर हो गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। बाय बाय।